सदगुरु जी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है मैं एक बहुत भावुक इंसान हूँ और अक्सर मुझे खुद को भावनात्मक रूप से उन हालातों से अलग करने में मुश्किल होती है जिनके बारे में मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं मैं देख सकती हूँ कि चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं हो रही मगर अपने मन और भावनाओं को उससे हटा पाना बहुत मुश्किल होता है आम, आपके विचार से मैं ऐसे हालातों को कैसे संभाल सकती हूँ मैं इस बारे में आपका नज़रिया जानना चाहूँगी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है इस दिमाग और दिल की जद्दोजहद पर मगर आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और जिस तरह आप महसूस करते हैं उसी तरह आप सोचते हैं फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स रन फर्स्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें पहले आती हैं आज शिक्षा की प्रकृति के कारण अधिकांश लोगों के लिए उनके विचार उनकी भावनाओं से पहले आते हैं मगर फिर भी ऐसे लोगों की काफी तादाद है जिनकी भावनाएं उनके विचारों से आगे चलती हैं ना सोनाक्षी ये पूछ रही हैं कि कुछ स्थितियों में आप नहीं होना चाहते मगर भावनाएं उलझी होती हैं इसलिए विचार बार बार वहां जाते हैं आप अनजाने में उस दिशा में चलते रहते हैं आपको यह समझना होगा कि विचार फुर्तीले होते हैं आज मेरे विचार कहते हैं कि यह सबसे अच्छी इंसान है कल अगर वो कुछ ऐसा करती है जो मुझे नहीं पसंद तो तुरंत मेरे विचार कहेंगे कि वो अच्छी नहीं है लेकिन अगर मेरी भावनाएं इस अच्छे इंसान के साथ जुड़ गई हैं भावनाएं उतनी फुर्तीली नहीं होती वो इतनी जल्दी नहीं पलट सकती वो थोड़ी रसीली होती हैं उन्हें समय लगता है इस बीच आप परेशान होते हैं क्योंकि विचार कहते हैं कि यह ठीक नहीं है मगर भावनाएं अभी भी उलझी होती हैं मैं इसके बारे में क्या करूं अपनी भावनाओं या विचारों को काबू में करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपके दिमाग की प्रकृति ऐसी है कि मैं इस आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहता यानी मैं अपना बाकी जीवन उसी आदमी के बारे में सोचने वाला हूं so, when... thoughts... जब मजबूरन विचार और भावनाएं मन में आते हैं तो आपको सबसे पहले यह करना चाहिए कि आपको उन्हें बस उस तरह देखना चाहिए जैसे वो हैं आप उनका विरोध मत कीजिए आप जैसे ही विरोध करेंगे वो कई गुना बढ़ जाएंगे इस मन में घटाव और भाग नहीं होता बस जोड़ और गुणा होता है तो आपको क्या करना चाहिए पहली चीज है इतना समझिए कि विचार और भावनाएं बस पहले से मौजूद डेटा का रिसाइकल है ये आपकी यादें हैं बात बस इतनी है कि यादाश्त की थोड़ी गंध होती है वो गंद आती रहती है आपको उसे उसी तरह देखना है उससे थोड़ी दूरी रखते हुए जैसे आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं आप एयरपोर्ट जा रहे थे आप ट्रैफिक जैम में फंस गए आपको कितनी घबराहट और परेशानी हुई किसी तरह आप वहां पहुंचे और हवाई जहाज में चढ़कर उड़ गए ऊपर से जब आपने नीचे देखा तो ट्रैफिक जैम कितना अच्छा लग रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ी दूरी है वही ट्रैफिक जैम मगर एक दूरी होने के कारण अचानक सारी परेशानी खत्म हो गई इसी तरह आपके विचार और भावनाओं के साथ भी बस थोड़ा सा अभ्यास कीजिए थोड़ी दूरी स्थापित करने के लिए अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं के साथ अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ लेकिन अगर आप कुछ खास विचारों और भावनाओं को संभालने की कोशिश करेंगे तो वो हजार गुना बढ़ जाएंगे